क्वार्टर टू टेन, डैड निकल गए कांडला फॉर अ टेक्निकल इंस्पेक्शन। शुभी जा रहा है चोपड़वा, 6 कंटेनर की स्टफिंग रहेगी, 2 अलग अलग लोकेशन हो सकते हैं। हम जा रहे हैं फिलहाल गरिमा को स्कूल छोड़ने, फिर देखें आगे क्या प्लान बनता है। हाँ जी, गरिमा को स्कूल छोड़ दिया है, अब आ गए हैं शर्मा रिसोर्ट रोज का प्रोविजन लेने। ठीक है, प्रोविजन के अलावा कुछ सब्जी वब्जी मिलेगी तो वो भी ले लेंगे। मिसेज इज ऑल्सो अलॉन्ग। भाई साहब, घर के लिए सामान ले लिया है, अब निकल रहे हैं वापस, फिर नाश्ता पानी करेंगे और देखें आज की दिनचर्या में क्या है। अभी आए हैं छत पे प्लांट्स पर पानी डालने के लिए, फिर नाश्ता पानी करेंगे और नाना धोना करके तैयार हो जाएंगे। आज जो भी शेड्यूल रहेगा वो गरिमा को स्कूल से लेकर आएंगे, फिर उसी के बाद चालू करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया अपना, सुबह जल्दी उठना और फिर बाद में वही स्लीपिंग शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सो आज अपना काम काज जो भी है उस वो चालू करेंगे दोपहर के बाद। मोस्ट प्रोबेबली मी एंड माई वाइफ विल बी गोइंग टू रिलायंस, थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, उसके अलावा देखते हैं अगर होगा तो शायद एक आधा सेल्स कॉल हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चोपड़वा, हिमांशु इज़ एट जवाहर नगर, 3 कंटेनर मास्टर फोर है। सो नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मैन पावर, तो मेरे को जाना पड़ गया, लास्ट मिनट पे इंटीमेशन आया 3 कंटेनर से एक की ऑलरेडी स्टफिंग चालू हो गई है, विच इज़ वेरी बैड बिकॉज कंटेनर स्टफिंग शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट दी प्लेस, अगर सर्वे खड़ा नहीं है तो फिर बाद में हु इज़ गोइंग टू सर्टिफाई द क्वालिटी और द क्वान्टिटी, दिस इज़ नॉट राइट। बट अब क्या करें, जो होना था वो हो गया, अब निकल गए हैं, वी आर ऑन आवर वे, 15-20 मिनट्स में पहुँच जाने चाहिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर, एंड आई डोंट वॉन्ट टू भगाओ गाड़ी, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, यूजुअली आई कीप इट अंडर 80, लेकिन अभी शायद ऊपर जाएगा, और बस यही है फिलहाल का अपडेट। डैड को मैंने बोला है कि भैया अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो कांडला का तो फटाफट घर आ जाओ, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास गरिमा को स्कूल लेने जाना होगा। सो आई हैव ऑलरेडी हिंटेड दैट, और जवाहर नगर में अगर हिमांशु का काम ख़त्म हो जाता है तो आई आस्क हिम टू कम टू दिस चोपड़वा साइट, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट कैरिंग एनी पेपर वर्क एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, वो सारा उसी के पास है, देखें क्या होता है। चलो कीप यू पोस्टेड। क्या करें यार, लुक एट दीज ट्रक्स, है ना, कैसे ड्राइव कर रहे हैं ना। सो दिस इज द वर्क लोकेशन, अब हिमांशु की प्रॉक्सी लगा रहे हैं हम, देखें वो भाई साहब कब तक दूसरे पॉइंट से फ्री होते हैं। हो जाएंगे तो हम निकलेंगे घर के लिए, नहीं तो फिलहाल आज इधर ही रहेंगे शाम तक एटलीस्ट, क्योंकि 3 कंटेनर का स्टफिंग है जिसमें से एक हुआ है, अभी 2 तो आना ही बाकी है। दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ, एक छोटा सा सॉल्ट प्रोसेस है, ठीक है काम बराबर ही है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड नॉट टू शैबी ऑल्सो। एक कंटेनर भरवा दिया और एक कंटेनर अभी आया है और एक कंटेनर अभी आना बाकी है। Hey guys, 4:30, खाना वाना तो हुआ नहीं है, अब शायद चालू करेंगे दूसरे कंटेनर की स्टफिंग। और अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि अपना फेवरेट यूट्यूबर जो है एलविश यादव, उसका वीलॉगिंग चैनल जो है वो हैक हुआ है, शायद कल रात को ही हैक हो गया था, एंड दिस इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स बैक मैं और एक चैनल सब्सक्राइब करता हूँ जिसका नाम है योगी बोलता है, वो भी हैक हो गया था। अगर इतने सारे सब्सक्राइबर्स वाले जो चैनल्स हैं वो अगर इतने आसानी से हैक हो जाते हैं तो YouTube एंड Google दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। आई मीन ठीक है यार, द प्रोसेस इट नीड्स टू बी मोर स्ट्रिंजेंट नाउ। हर वीडियो से पहले YouTube एक ऐड प्ले कर देता है, मतलब दे आर मिंटिंग मनी, और सिक्योरिटी के नाम पर ठस्सा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। टाइम हो रहा है 6:45 और भाई हम तो निकल चुके हैं फैक्ट्री से, नमक की फैक्ट्री थी ये, नमक बनता है यहाँ पे, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे,
हिमांशु आया जस्ट और उसने मुझे रिलीव किया, क्योंकि अभी कंटेनर की स्टफिंग चल रही है तो वो करवा के आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और अपन ने भैया कुछ नाश्ता पानी किया तो था नहीं। सो हिमांशु गॉट मी कपल ऑफ समोसाज, गुड वॉर्म हॉट समोसाज, उसके अलावा फ्रूटी जैसा कुछ था वो पी लिया। अब निकल रहे हैं घर के लिए, 6:45 हुए हैं, सो वी शुड बी देयर 6:30 शुड बी लाइक, अगर ट्रैफिक नहीं नड़ा तो 6:30 तक हमको पहुँचाना चाहिए। बाकी एक और कंटेनर है लेकिन ना तो वो कंटेनर आया है अभी तक और उसका कार्गो भी प्लांट पे रेडी हुआ नहीं है। और प्लांट पे रेडी हुआ नहीं है इन द सेंस बेसिकली जो पैकिंग है वो शायद नहीं हुआ होगा, रॉ मटेरियल तो रेडी होगा लेकिन यस द पैकिंग इज़ नॉट येट डन। सो देखें क्या होता है, कीप यू पोस्टेड। 6:30 बजे घर पहुँचे, उसके बाद मैं चाय कॉफ़ी करेंगे फिर आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे। फिर आज भी हमारी XUV 300 कर रही है हल्की फुल्की सी ऑफ रोडिंग। ये रास्ता अभी के लिए चल जाएगा लेकिन अगर बारिश हुई तो बॉस दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक रूट। सनसेट भी क्या प्यारा लग रहा है, ये है सनसेट का व्यू। बाकी लोग तो भगाते हुए जा रहे हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि सूर्य देवता हमारे लिए कितनी पीड़ा उठाते हैं। कभी नेचर को एंजॉय भी करो, सूरज को भी देखो, चांद को भी देखो और कभी मौका मिले ना तो सर उठा के आसमान को देखो, रात को कितने खूबसूरत तारे हैं। अप्रिशिएट द नेचर अराउंड यू यार, डेवलपमेंट एंड नेचर गोइंग हैंड इन हैंड, व्हाट अ व्यू यार। हाँ जी भाई लोग, घर तो आ चुके हैं, वी आर होम एंड दिस इज़ द वेलकम वी रिसीव आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क फॉर द हाउस, सब गायब। दिस इज़ द टाइम एंड वी आर होम अकॉर्डिंगली। और भाई एक चीज़ तो ऑब्जर्व ही नहीं करी, घर में घुसते ही पापा ले गए जावा, ठोक ठाक के ना ले आए यार कसम से, उनके ऊपर भी लोग आभारी चल रहा है। हाँ जी भाई लोगों, टाइम हो रहा है 8, घर आ गए, चाय वाय पी ली थोड़ी, थोड़ा सुस्ताना कर लिया, मोबाइल देख लिया, बच्चे के साथ खेल लिया है, अभी लग रही है एकदम लाइक मन कर रहा है सो जाऊँ, थकान बहुत लग रही है और ठंड भी लगना चालू हो गई है। अभी प्रॉब्लम यह है कि हिमांशु अभी तक निकला नहीं है चौपड़वा से, अभी जस्ट उसका एक कंटेनर कंप्लीट हुआ है थोड़ी देर पहले, तो मैंने तो उससे बोला भैया निकल जा, बाकी हो सकता है कल सुबह हम लोग जल्दी फिर से निकलें एक आधे कंटेनर को क्लोज करने के लिए। सो भगवान, ठंडी में सुबह जल्दी उठना इट्स एक नंबर का त्रास वाला काम हो गया है। तो ये अपना खाना, ये है गोभी, ये है कल के छोले, चपाती, दैट्स इट, नथिंग मोर। हाँ जी भाई लोग, टाइम हो रहा है 11:15, खाना पीना कर लिया है, सोने आ गए हैं क्योंकि लग रही है बराबर की ठंड। हिमांशु भाई साहब आ गए थे 9:15 के आसपास, घर आ चुके थे, थोड़ी देरी हो गई उसको आने में, नाउ ही इज़ ऑल्सो रेस्टिंग। There is a good possibility tomorrow morning early we leave for Chopardwa, क्योंकि एक कंटेनर जो स्टफ होना था वो शायद रात तक में होगा या कल सुबह निपटेगा एंड उसका स्टफिंग कम्प्लीट होगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली टमोरो मॉर्निंग में और हिमांशु फिर जल्दी निकलेंगे टू सी दैट वन कंटेनर। बाकी देखिए क्या होता है, I'll keep you posted on the same. So it's good night for now. Sweet dreams. Take care. Do like, share, subscribe the channel if you're enjoying the content. I'll see you tomorrow.